हेलो गाइज, नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक इस मुद्दे में जारी किए होंगे। गाइज, जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह चर्चा करेंगे सुपर टेट के ऊपर, सुपर टेट एग्जाम जो 2021 में प्रस्तावित होने वाला है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो सुपर टेट में भी जो चर्चा करेंगे वो मैथ के ऊपर चर्चा करेंगे। किसके ऊपर चर्चा करेंगे? चर्चा करेंगे मैथ के ऊपर। जो 20 क्वेश्चन आने हैं मैथ के ऊपर, जो 20 क्वेश्चन आएंगे वह हमारे अंकों के लिए निर्णायक साबित होंगे। तो दोस्तों, जो 20 प्रश्न आएंगे उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सुपर टेट के लिए आपको जो है तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, जो बात करेंगे हम आज की सिलेबस क्या है सुपर टेट का, तो सबसे पहले गणित के ऊपर जो सिलेबस है वह बात करेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आंकिक क्षमता के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके ऊपर? आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद बात करेंगे गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल एक्शन जो होंगे। गणितीय संक्रियाओं के ऊपर अगर बात करें तो उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, अकेले गणितीय संक्रियाओं से ही नहीं बल्कि अगर बात करें तो डेसिमल से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे हिंदी में दशमलव कहते हैं। उसके बाद बात करें फ्रैक्शन की तो जिसे भिन्न कहते हैं, यहां से भी प्रश्न बनेगा। उसके बाद प्लेस वैल्यू और स्थानीय मान से भी प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें गणित है क्या, गणित जो है अंकों के माध्यम से समस्याओं का हल करना ही गणित कहलाता है। क्या? समस्याओं का हल करना ही गणित कहलाता है। गणित में अगर हम बात करें दो चीजें होती हैं, नंबर एक अंक होते हैं और चिन्ह होते हैं। अंकों में अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्याएं होंगी और भिन्न होंगे और दशमलव होंगे। क्या होंगे? अंकों में अगर हम बात करें तो पूर्णांक संख्याएं होंगी और भिन्न होंगी और दशमलव होंगे। चिन्हों की अगर हम बात करें तो जहां पर प्लस माइनस डिवाइड और गुणा ये सारी चीजें चिन्हों में होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें और कहां से प्रश्न बनने हैं तो प्रतिशत के ऊपर, परसेंटेज, प्रतिशत के ऊपर भी प्रश्न बनेंगे। प्रतिशत की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। किसके ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ ही क्या है कि लाभ जब कोई चीज कम दाम में खरीदी जाती है और अधिक दाम में बेची जाती है वह लाभ कहलाती है, और हानि का मतलब जो चीज खरीदी है उससे कम दाम में बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। उसके बाद डिस्काउंट, छूट, और उसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट में भी सवाल पूछे जाएंगे। अब इंटरेस्ट में भी दो प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, और कहां-कहां से प्रश्न बनेंगे उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि यहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अगर हम बात करें जो हमारे प्रश्न बनने वाले हैं, और प्रश्न बनेंगे डिविजिबिलिटी की अगर बात करें, विभाज्यता, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। विभाज्यता की अगर बात करेंगे तो यह क्या है? आंकिक क्षमता में ही आता है। विभाज्यता क्या होता है? ये आंकिक क्षमता में ही आता है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर, गुणनखंड पढ़ेंगे हम लोग, गुणनखंड से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम, जैसे हम किसी भी दुकान पर जाते हैं तो कोई व्यक्ति बोलता है कि एक पेन का मूल्य इतना है, हमें इतने पेन चाहिए। अगर वो बोलते हैं 20 पेन का मूल्य इतना है तो हमें एक पेन का मूल्य निकालना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? एक एक नियम कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिमेंट्री अलजेब्रा यानी कि सामान्य बीज गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सामान्य बीज गणित। सामान्य बीज गणित में अगर हम बात करें तो समीकरण पढ़ेंगे। क्या? समीकरण। और समीकरण में अगर हम बात करें तो दो तरीके, एक द्विघात समीकरण पढ़ेंगे जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद नंबर दो अगर हम बात करें दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, यहां से ही प्रश्न बनते हैं। और उसके क्या है, हमें प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, उसके आधार को समझना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी, आई होप। उसके बाद अगर हम बात करें एरिया एंड वॉल्यूम,
यानी कि क्षेत्रफल और आयतन से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, चाहे शंकु ले लो, आयतन ले लो, ठोस ले लो, चाहे खोखला ले लो, किसी प्रकार का ले लो, यहाँ से प्रश्न बनना तय है। उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से भी प्रश्न बनेंगे। अनुपात और समानुपात में अगर बात करें तो एज रिलेशन यानी कि आयु संबंध, जिसे हम बोलते हैं एज रिलेशन, आयु संबंध, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, यहां से भी प्रश्न बनेंगे गाइस। और उसके बाद अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री एंड ज्योग्राफी, सामान्य बीज गणित, क्या एलिमेंट्री एंड ज्योग्राफी, यहां से प्रश्न बनेंगे। ये इतना ही हमारे सुपर टेट का सिलेबस है, यहां से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे वह हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले हैं। दोस्तों आज जो हम लोग यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि और आगे बात करेंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे। जो बात करेंगे सबसे पहले आज हम लोग आंकिक क्षमता के ऊपर बात करेंगे। इसके आंकिक क्षमता में अगर हम बात करें तो जो बात करेंगे वह बात करेंगे वर्ग के ऊपर। किसके ऊपर? वर्ग के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आंकिक क्षमता में स्क्वायर के बारे में आज हम बताएंगे। आप एक सेकेंड के अंदर सारे किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। जो हम आपको बता रहे हैं कि क्या, कि वर्ग आंकिक क्षमता में जो आज हम लोग बात करेंगे वर्ग के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? वर्ग के ऊपर बात करेंगे, स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे। स्क्वायर क्या है? किसी भी संख्या का आपस में गुणा हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे x का वर्ग अगर पूछा जाए तो x का जैसे वर्ग स्क्वायर क्या होगा, तो x का वर्ग x स्क्वायर होगा। इसका मतलब है x का आपस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है। अगर इसका वास्तविक मान पूछा जाए, क्या इसका वास्तविक मान पूछा जाए, वह क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट कहलाता है। क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। तो किसी भी कक्षा में हम पढ़ाने के लिए जाते हैं, किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम चाहते हैं या हम बताते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ग आने चाहिए। क्या आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ग आने चाहिए? जैसे जीरो का वर्ग क्या होगा? जीरो होगा। और एक का वर्ग क्या होगा? एक होगा। एक सेकेंड, जीरो का वर्ग जीरो हो जाता है, एक का वर्ग क्या होगा? एक होगा। दो का वर्ग क्या होगा? चार होगा। तीन का वर्ग क्या होगा? नौ होगा। चार का वर्ग क्या होगा? सोलह होगा। पांच का वर्ग क्या होगा? पच्चीस होगा। छह का वर्ग क्या होगा? छत्तीस होगा। सात का वर्ग क्या होगा? उनचास होगा। आठ का वर्ग क्या होगा? चौसठ होगा। नौ का वर्ग क्या होगा? इक्यासी होगा। दस का वर्ग क्या होगा? सौ होगा। ग्यारह का वर्ग क्या होगा? एक सौ इक्कीस होगा। बारह का वर्ग क्या होगा? एक सौ चवालीस होगा। तेरह का वर्ग क्या होगा? एक सौ उनहत्तर होगा। इस तरीके से जब हम लोग किसी कक्षा में जाते हैं तो वर्ग अगर पूछते हैं तो जिसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो जवाब तेज आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही संख्याएं आगे बढ़ती हैं वैसे क्या होता है, जवाब कम हो जाते हैं और आवाज कम हो जाती है। तो क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ग याद होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद है उसके लिए है क्या है कि हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि आप आसानी से एक सेकेंड के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग निकाल के दिखा सकते हैं। तो कैसे, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा है? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर हम इसको जो है इस तरीके से लिख लें, ए ओब्लिक बी टू द होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओब्लिक ट्वाइस ए बी ओब्लिक बी स्क्वायर। इस सीक्वेंस में अगर हम इसको लिखते हैं तो अगर बात करें कि तेरह का वर्ग क्या होगा, क्या तेरह का वर्ग क्या होगा, तो यहां पर ओब्लिक का चिन्ह लगाते हैं और
वन को ए मान लेते हैं, थ्री को बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर ओवलेक ट्वाइस मल्टीप्लाई ए वन है बी थ्री है ओवलेक थ्री के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तीन गुना छह एकन छह और तीन तरक्का नौ, तो तेरह का वर्ग क्या निकल के आ गया 169 निकल के आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर पूछा जाए 14 का वर्ग क्या होगा, कितने का 14 का वर्ग पूछा जाए तो ओब्लिक लगाएंगे, तो यहां पर क्या करेंगे 1 के स्क्वायर ओब्लिक ट्वाइस ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे 4 है ओब्लिक 4 के स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 ओब्लिक 2 एकन 2 4 दूना 8 और 4 चौकू 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है एक इसके साथ आएगा और हमें क्या करना पड़ेगा 6 लिखेंगे और एक इसके साथ कैरी करेंगे तो 8 एक 9 हो जाएगा और 196, 14 का वर्ग जो होगा वो 196 होगा। ऐसे किसी भी संख्या का आप ले लो, जैसे 25 का वर्ग अगर पूछा जाए तो 25 2 ओब्लिक 5 अगर लिखेंगे तो द होल स्क्वायर अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ओब्लिक ट्वाइस ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 5 है और ओब्लिक 5 के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20 यानी 2 दूनी 4 पंचे 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। अभी क्या है यहाँ पे 5 रहेगा और 2 इसके साथ कैरी होगा तो 22 हो जाएगा और ये 2 इसके साथ कैरी होगा तो 4 2 6 यानी कि 25 का वर्ग जो होगा वह 625 आ जाएगा। आप इस तरीके से आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। और आगे अगर हम बताएं किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिया हो, कितना किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 दिया हो तो देखो कैसे आसानी से हम जो है वर्ग उसका निकाल सकते हैं। जैसे संख्या होगी 5 होगी 15 होगी 25 होगी 35 होगी 45 होगी 55 होगी 65 होगी, देखो बड़ा आसान तरीके से आप इसको जो है निकाल सकते हैं गाइस। जैसे अगर हम बात करें 5 के वर्ग की 15 के वर्ग की 25 के वर्ग की 35 के वर्ग की 45 के वर्ग की 55 के वर्ग की 65 के वर्ग की 75 के वर्ग की 85 95 105, इस तरीके की अगर कोई भी संख्या है अगर लास्ट में अगर आपको 5 मिल रहा है तो कैसे आप आसानी से उन संख्याओं का जो है वर्ग निकाल सकते हैं। एक ही सीक्वेंस में आप एक ही मिनट एक सेकंड लगेगा और आप जो है ओरल आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग आपको मालूम है कितना होता है 25, अभी क्या है 15 का वर्ग पूछा गया है, अभी लास्ट में 25 यानी 25 आना तय है। किसी भी संख्या के अंदर अगर किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 5 दिया हुआ है तो उसके लास्ट में 25 आना अनिवार्य है, 25 आएगा ही आएगा यानी कि 5 का वर्ग 25 आएगा ही आएगा। अभी आप देख रहे हैं आगे क्या संख्या दी हुई है 1 दी हुई है, 1 से सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या कौन सी होती है 2, उस सीक्वेंस वाली संख्या से क्या करेंगे हम इसका गुणा कर देंगे, तो 1 का 2 में जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 दूना 2 या 2 एकन 2 225 हो जाएगा। उसी तरीके से 25 की अगर बात करें तो 25 लास्ट में आना तय है, अब 2 के सीक्वेंस में 2 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी 3 होगी, कौन सी होगी 3 होगी, अब 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 6, इतना ही हमने निकाला था, आपने देखा था यहां से भी निकाला था आप आसानी से 25 का वर्ग आपने किया था तो क्या था आपने 2 के स्क्वायर ओब्लिक ट्वाइस 2 ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे 5 है और ओब्लिक 5 के स्क्वायर, यहां से भी निकाला लेकिन क्या था यहां पे थोड़ा समय लग रहा था लेकिन यहां पर आप तत्काल लगा सकते हैं तुरंत कर सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया था, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया था और 5 25 हो गया था, यहां पर 5 लिखेंगे 2 इसके साथ कैरी करेंगे तो 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 की 2 कैरी कर 2 लिखेंगे और 2 इसके साथ करेंगे ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो कितना आ रहा था
625 आ रहा था यहाँ पर भी और 625 आ रहा है यहाँ पर भी, एक सेकंड लगेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से 35 का वर्ग पूछा गया, 25 आना तय है, 3 के सीक्वेंस में आगे आने वाली जो संख्या है वो कौन सी है, 4 है, 4 तीनों 12 हो जाएंगे, यानी कि 3 चौक 12, 3 4 जा 12 हो जाएंगे। 45 की बात की गई है, 25 आना तय है, 4 के सीक्वेंस में आगे आने वाली जो संख्या है वह कौन सी है, 5 है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 55 की अगर हम बात करें तो 25 आना तय है, 5 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 6 होगी, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। उसी तरीके से 25 और 6 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 7 होगी, 7 जो है 7 छंगा 42 हो जाएंगे। और उसके तरीके से 75 पचम 25 और 7 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 8 होगी, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। 85 का वर्ग पूछा गया है, पचम 25 और 8 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 9 होगी, तो 9 8 72 हो जाएगा। 5 25 और 9 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 10 होगी, 10 ने 90। उसी तरीके से पचम 25 और 10 के सीक्वेंस में आगे आने वाली संख्या 11 होगी, तो 11.110। तो हमने अभी दो अंकों का ये तीसरे तीन संख्याओं की बात है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप जो है आसानी से इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर।